ज्यादा एंटरटेनमेंट वह फ्रेंड शहनाज गिल एक के बाद एक कुछ ना कुछ अचीव ही करती जाती हैं। जैसा कि हमने आपको ये बताया कि वादा है जो 27 मिलियन हो चुका है लाइव में ही बताया था। उसके अलावा एक खुशखबरी और आई कि जो है शहनाज ने जीता है दीपावली अवार्ड। जी हाँ, वो सिद्धार्थ ने भी जीता है लेकिन शहनाज को भी मिला है दीपावली अवार्ड। उन्होंने अपने नाम किया है और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गजों को पीछे छोड़कर अपने नाम किया है। चूंकि शहनाज गिल सिर्फ एक साल हुए हैं उन्हें इस इंडस्ट्री में आए, टीवी इंडस्ट्री में आए, मुंबई में आए, और शहनाज गिल ने बड़ी बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है, तो ये बात मायने रखती है। अब वहीं पर शहनाज गिल का गाना जो कि कुर्ता पजामा, जी हाँ कुर्ता पजामा काला काला, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला भी कुछ दिन पहले पंजाब में मजे से नाचते और गाते हुए नजर आए थे, और नाचना तो दूर गाया भी था उन्होंने इसे और बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया था, और जब ये आया था तब इसे प्रमोट भी किया था, कुर्ता पजामा काला काला साला साला। अब एक नई अचीवमेंट इसने अपने नाम कर ली है, क्योंकि कुछ टाइम पहले 100 मिलियन हो गया है, इसका सेलिब्रेशन सभी लोग कर चुके हैं, हम लोग फैंस कर चुके हैं, तो अब जो है ये गाना पहुंच चुका है 113 मिलियन यानी 113 मिलियन तक। ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी खबर, चार्ट बास्टर पर एमटीवी बी चार्ट बास्टर पर ये सॉन्ग जो है ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, चार्ट बास्टर रहा है ये सॉन्ग, एमटीवी बीट बॉक्स पर चार्ट बास्टर है ये सॉन्ग, और ये बहुत बड़ी बात है। किसने इन्फॉर्मेशन दी है? खुद टोनी कक्कर ने ट्वीट किया है और ये बताया है कि ये सॉन्ग जो है वो चार्ट बास्टर है एमटीवी पर, और ये काफी बड़ी बात है क्योंकि एमटीवी पर आना कोई छोटी बात नहीं है, और चार्ट बास्टर हो जाना तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि रेगुलर कुछ ना कुछ सॉन्ग होते हैं। तो अब शहनाज का गाना कुर्ता पजामा आया है। वेल, आपको कैसा लगा है सुनकर जल्दी से कमेंट में बताइए। शहनाज की सक्सेस को जब आप सुनते हैं तो दिल को कितना सुकून मिलता है ये जरूर बताइएगा, हमें भी सुनकर काफी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।